कार्यकर्ता हमारा किसान सेल पूरे हरियाणा से आएगा, 5000 से ऊपर हमारे कार्यकर्ता वहां पर होंगे और मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। मैं हूं धर्मेंद्र इंसार, आप ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। इस समय हमारे साथ सुशील गुप्ता जी राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी से मौजूद है और 11 तारीख को जो है कि मुख्यमंत्री का आवास का जो घेराव करने की तैयारी इन्होंने अपने यहाँ पर जो है कि पानीपत से मीटिंग करके इसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है, इस विषय में जानकारी लेंगे। क्या है पूरा मामला और क्यों घेराव आज जो सुशील गुप्ता जी जो है करने की तैयारी में है। सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार सर। क्या तैयारी है, किस विषय को लेकर के जो है कि आप घेराव करने की तैयारी? हरियाणा के किसानों का, व्यापारियों का, मजदूरों का, आढ़तियों का बुरा हाल कटर सरकार ने कर दिया है। पिछले 6 साल से जब जब फसल बिकने का समय आता है, कटर साहब एक नया कानून बीच में घुसा देते हैं और जले पे नमक छिड़कने का काम कर दिया केंद्र की भाजपा सरकार ने। ये 3 काले कानून बना के, इन 3 काले कानून के माध्यम से केंद्र की सरकार ने बीजेपी के अपने व्यापारी मित्र अडानी और अंबानी के घरों में ये किसान की फसल को गिरवी रख दिया है। दूसरे महीने में अगर हम ये कहें तो किसान की मौत के वारंट पे हस्ताक्षर हैं ये 3 काले कानून। इन 3 काले कानून के माध्यम से जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की है, अनलिमिटेड वेयर हाउसिंग की बात की है और ये फसल की बात की है, तो ऐसे में इन्होंने MSP ख़त्म करने का फसल में एक प्रावधान किया, FCI ख़त्म करने के लिए इन्होंने अनलिमिटेड वेयर हाउसिंग दी ताकि किसान को MSP ना मिले और आम उपभोक्ता पिसे, क्योंकि किसान की फसल जब आएगी होने पने भाव पे व्यापारी खरीदेंगे और जब देश के अंदर टमाटर, प्याज, आलू, चावल, गेहूं खाने के लिए नहीं होगा तो 4 गुना भाव पे ये बेचेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इन्होंने ये लेके आए, उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर भी इन्होंने किसान को कोर्ट में जाने का रास्ता भी नहीं दिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर किसान सड़क पे है और आम आदमी पार्टी किसान के साथ। जैसे आप ये आंदोलन कर रहे हो, 11 तारीख को आंदोलन की शुरुआत आप करोगे, संडे को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करोगे, मतलब पूरे हरियाणा के अंदर से जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता इकट्ठे होकर के घेराव करने की तैयारी में है या सिर्फ पानीपत, करनाल या आसपास के क्षेत्र से? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारा किसान सेल पूरे हरियाणा से आएगा, 5000 से ऊपर हमारे कार्यकर्ता वहां पर होंगे और मुख्यमंत्री जी का घेराव करेंगे। अच्छा, कई लोगों का ये कहना है कि भाई जैसे पंजाब और हरियाणा के अंदर ही सिर्फ आढ़ती लोग हैं जो आढ़त से जो है कि फसल खरीद रहे हैं और यूपी के अंदर या अन्य स्टेटों के अंदर जो है कि आढ़त नहीं है, वो लोग अपना जैसे किसान जो है वो अपनी व्यवस्था चला रहे हैं, अगर यहाँ पर आढ़त की दुकानें या इस चीज़ की जो बिचौलियों को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मैं 2 बात बताता हूँ। यूपी के अंदर भी मंडी सिस्टम है, राजस्थान के अंदर भी मंडी सिस्टम है, यूपी में मेरठ कमिश्नरी में है, पश्चिमी यूपी के अंदर बहुत कम है, बिहार में नहीं है, कई कई राज्यों में नहीं है। जिन राज्यों में नहीं है या यूपी के जिन हिस्सों में नहीं है, वहाँ का 5 एकड़ का, 10 एकड़ का किसान यहाँ के 5 एकड़ के किसान के घर पे मजदूरी करने के लिए आता है, क्योंकि वहाँ पे उसकी फसल की जो लागत है वो ज़्यादा है और कीमत कम मिलती है, इसलिए वो किसान परेशान है क्योंकि उसका MSP नहीं मिल पा रही। यहाँ पे जो मंडी सिस्टम बना है, जो कई दशकों से बना हुआ है, उस पर MSP आदि प्रादि मिलती है, उसे किसान का गुजारा चलता है। ये भाजपा सरकार की नीयत उसको ख़त्म करने की है। वहाँ का किसान, आप बिहार के किसान की बात करें, गुजारा नहीं चला रहा। आप देखो कि यहाँ के हरियाणा के से बेहतर ज़मीन है वहाँ पे, वहाँ पे बेहतर पानी है, गंगा और यमुना के बीच का पठार है, वो वहाँ पे सारे फल वाले वृक्ष पे लगते हैं, परंतु कीमत उनको नहीं मिल पाती। वो पिसा हुआ किसान है, वो दबा हुआ किसान है, तो उस किसान को मजदूरी करने के लिए आना पड़ता है। ये भी चाहते हैं कि यहाँ का जो किसान है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे अपनी ज़मीन दे दे और अडानी और अंबानी का मजदूर बन के काम करे। अच्छा, एक व्यवस्था ये है कि भाई सरकार जो है दमनकारी नीतियाँ अपना रही है, अभी कांग्रेस के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष ही लगा लो आप, राहुल गांधी जी रैली कर रहे थे या रोड शो कर रहे थे या किसानों के पक्ष में आवाज़ उठा रहे थे, तो उनके ऊपर पूर्णतः बैन लगा दिया भाई हरियाणा के अंदर आपकी नो एंट्री है इस मामले को लेकर के। दूसरा, किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार कहीं ना कहीं दमनकारी नीतियाँ नहीं अपना रही, आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, खट्टर साहब को समझना पड़ेगा और विज साहब को समझना पड़ेगा, हरियाणा उनके बाप का नहीं है, हरियाणा हरियाणा की जनता का है। और दमनकारी नीति तो हिटलर की नहीं चली, दमनकारी नीति तो बड़े बड़े राजाओं की नहीं चली, इनकी कैसे चलेगी? ये 4 डंडे मार के, लाठी चार्ज करके,
ये सोचते हैं कि इस देश के बादशाह हो गए, ऐसा नहीं है। ये देश लोकतांत्रिक है, वोट का जो बटन दबता है उसकी बड़ी भारी ताकत है। 5 साल आते समय नहीं लगता, हरियाणा की जनता इस चोट को भूली नहीं है। किसान का जो बुरा हाल क्या है हरियाणा के लोग भूले नहीं है। खट्टर साहब को समय समय पर ये बातें याद आएंगी। सर एक आखिरी सवाल है, बिहार चुनाव जो है डिक्लेयर हो चुका है और चुनाव की तारीख भी डिक्लेयर हो चुकी है, आप आम आदमी पार्टी किस पार्टी को सपोर्ट करेगी या खुद अपने कैंडिडेटों को मैदान में उतारेगी? ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा। आम आदमी पार्टी वैसे अकेले चुनाव लड़ती है, कहीं लड़ती है तो किसी को समर्थन नहीं करती, और आम आदमी पार्टी चुनाव मेरे विचार में अभी तक वहाँ नहीं लड़ रही। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुशील गुप्ता जी, राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी से, और हो हर एक बात पर अपनी बात को बेबाकी से रखा है। तो बने रहे मेरे साथ ग्राउंड मीडिया से, मैं धर्मेंद्र इन साहब। मैं इस पार्टी को अनुशासित भी बनाना है, मैं हमारा मेन मोटिव अनुशासित बनाना, सर से बात करूंगा। हमें अपनी टीम में अनुशासित ये सब राठी जी ने जो हमारे सुखबीर जी और युवा के लोग मिलके और सब मिलके युवा की एक पूरी टीम की घोषणा आज हुई है, खिलाड़ियों की घोषणा हुई है। हमने खेल का सेल बनाया है, आम आदमी पार्टी के सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देती है। परवीन कादर जी संयोजक बने हैं, रघुवीर सिंह जी संगठन मंत्री बने हैं, अलका रावल जी। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।